कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब अपराधी लोगों से गठबंधन कर लेंगे और अपराधी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो बिहार में बसता क्या है? कानून का राज खत्म हो गया, गुंडों का राज हो गया, और बिहार जब सरकार में गुंडे शामिल हो गए तो बचा कहाँ? बिहार में अब कानून का राज खत्म हो गया है और अपराधियों का राज आ गया है। जब बिहार में अपराधियों की सरकार आएगी तो अपराधियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। ये बोल दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के हैं। सम्राट चौधरी ने बेगूसराय में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि बिहार में अब जनता का राज नहीं बल्कि अपराधियों का राज है, क्योंकि आपने जो सरकार बिहार में लाया है मुख्यमंत्री जी, वो खुद एक अपराधी से भरी पूरी सरकार है। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि आप तो अपने राहुल बाबा की बात सुनिएगा, लालू प्रसाद यादव की बात सुनिएगा, क्योंकि अब आपका तो कुछ महत्व नहीं रहा, अब आपकी तो कोई अपनी कोई प्रतिक्रिया, अपनी कोई राय नहीं रही। क्या कुछ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब अपराधी लोगों से गठबंधन कर लेंगे और अपराधी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो बिहार में बसता क्या है? कानून का राज खत्म हो गया, गुंडों का राज हो गया, और बिहार जब सरकार में गुंडे शामिल हो गए तो बचा कहाँ? रोज मुजफ्फरपुर हो, मुजफ्फरपुर में पुलिस के छाए में घर पे चढ़ के गोली मारने का काम किया गया, दलित बहन को बेगूसराय में नंगा करके पीटने का काम किया गया, और जदयू के नेता ने ही एक कर्मचारी को नंगा करके पीटने का काम किया। यार में लोकतंत्र बचा क्या है? यहां तो गुंडा राज हो चुका है, अपराधी का राज है, बालू माफियाओं का राज है। इसलिए यहां जमीन लूटने का काम किया जा रहा, अपराधी को बढ़ाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसलिए यहां कानून का राज पूरी तरह फेल हो चुका है। नीतीश कुमार जी को एक भी घंटे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई कारण नहीं है जिससे कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार अपराधियों के हाथ में चला गया। कि स्वर्गीय विजय सिंह की जो हत्या हुई है उस पर हमने पटना पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को आग्रह किया है कि आपने जो जांच प्रक्रिया में जो पूरा मेडिकल पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें जो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुए है उसके पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए, पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उपलब्ध कराइए, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार शुरू से कहती रही वही पोस्टमार्टम में आया, ये पूरी तरह संदेह है। इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज हाई कोर्ट के द्वारा जांच हो या पटना एम्स को पूरी तरह रेफर करे और इस जांच की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।